चौंका देगा रुबीना दी लाइक का ये सच। रुबीना ने शेयर की ऐसी बात जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रुबीना ने बताया फिल्मी दुनिया का एक ऐसा घिनौना सच जो यकीनन सभी को हैरान कर देगा। रुबीना दी लाइक इन दिनों काफी अच्छा खेल रही है बिग बॉस के घर के अंदर। रुबीना के हर कोई काफी तारीफ करता नजर आ रहा है और इसी बीच रुबीना की ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रुबीना दी लाइक ने कास्टिंग काउट से जुड़े अपने अनुभव को शेयर किया है। रुबीना दी लाइक के चाहने वाले हमेशा यही सोचते थे कि आखिर रुबीना ने फिल्मी दुनिया में हाथ क्यों नहीं आजमाया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रुबीना बॉलीवुड में काम करना चाहती थी लेकिन उनके अनुभव काफी बुरे थे। एक इंटरव्यू के दौरान रुबीना दी लाइक ने बताया कि 6 साल पहले एक नामी गिरामी डायरेक्टर ने उनके साथ बहुत बदतमीजी की थी, हालांकि कौन था वो उनका नाम उन्होंने नहीं बताया। रुबीना ने कहा कि 6 साल पहले मैं बॉलीवुड में काम करना चाहती थी, कई मीटिंग्स के लिए गई लेकिन मेरा अनुभव अच्छा नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि टेलीविजन के लोगों को काफी हेट दृष्टि से देखा जाता है, जैसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं, टीवी एक्टर अच्छा कौन सा शो किया, हमने तो देखा नहीं। आपको आपके बैकग्राउंड और कई चीजों की जांच पड़ताल की जाती है, कौन सी कार चलाते हो, क्या तुम्हारे पास लुइस विटन है, तुम्हारे पास जिमी चू के जूते हैं, कुछ ऐसा वाला फंडा, और मैं ब्रांड से भी नहीं हूँ। आपको ऐसी चीजों के लिए जज किया जाता है। स्क्रीन टेस्ट और बाकी चीजें तो बात की होती हैं, तो ऐसी चीजों से मन खराब हो जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि क्या सच में ऐसा होता था, ये काफी पहले हुआ था लेकिन ये बहुत अजीब था। रुबीना दी लाइक ने उस वाक्य को भी शेयर किया जब एक नामी डायरेक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की। रुबीना ने बताया कि मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगी, इंडस्ट्री में काफी नाम है। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने वो फिल्म देखी है, मैंने कहा नहीं, मैं उस समय स्कूल में थी और मैं शिमला के कंजर्वेटिव परिवार से हूँ, हमारे यहाँ लड़कियों को अकेले फिल्म देखने की इजाज़त नहीं थी, 7 बजे तक हमें घर लौट आना होता था। तो उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे काम को नहीं देखा, मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर फाट करने का मन कर रहा है। रुबीना दी लाइक ने आगे बताया, उस समय मुझे लगा कि मैंने क्या सच सुना। वो हंसने लगा, उसने मुझे बैठने को कहा और फिर कहने लगा, तुम्हें पता है मैंने क्या किया, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन अवसर देने वाला है। उन्होंने बताया कि उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, मैं वहाँ से भाग जाऊँ।